नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार है। जैसे कि मैंने आपको हर अप टू डेट सोशल ट्रेड की हर अप टू डेट जानकारी मैंने दी है, आज भी एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे इन द सेंस। जैसे कि एक सबसे मेन तो यही है कि सोशल ट्रेड चलेगी या नहीं चलेगी, दूसरा लोगों की पेमेंट आएगी या नहीं आएगी, और सबसे तीसरा मेन इम्पोर्टेंट ये है कि अभिनव मित्तल जी को बेल क्यों नहीं मिल रही है, एक किसका रीज़न भी मैं आपको इसमें क्लियर करूँगा। ये आपके बड़े तीन रीज़न मैं इस वीडियो में आपके पूरे करूँगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है कि नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा, एक तो जो आजकल यूट्यूब पे और ख़बरों में आया हुआ है कि 20 तारीख को जो अदालत में पेश होना, वो टोटली गलत है। 20 तारीख को कोई भी अदालत में पेशी नहीं थी, वो बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, जैसे कि कुछ जांच एजेंसियां हैं लाइक एसटीएफ, एसआईटी, एसएफआई, इनकम टैक्स, ये जितनी भी जांच एजेंसियां, इन्होंने अपनी सारी की सारी जो पूछताछ है वो कर ली है। जैसे एसटीएफ ने अपनी जांच कर ली है, एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है, एसएफआई ने भी अपनी जांच पूरी कर ली है, और इनकम टैक्स ने भी अपनी जांच पूरी कर ली है। अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं मिला है। एक चीज़ तो ये जो तीनों की तीनों जो एजेंसियां हैं, पूछताछ है, इंक्वायरी एजेंसियां हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं। दूसरी बात, अब जो केस वो गया है ईडी के हाथ में, अब मेन क्वेश्चन होता है कि ईडी क्या है। पहली बात, ईडी जो एजेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, न कि स्टेट गवर्नमेंट की। और अभी आपने सुना भी होगा, वीडियो में देखा भी होगा, ईडी ने 3 दिन के रिमांड की मांग की थी, उसके बाद ही जमानत याचिका दी जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये भी है कि ईडी ने मतलब 3 दिन की जो रिमांड मांग की थी उसका क्या मतलब है। अब देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जो पूरा का पूरा अब केस टिका हुआ हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग पे। बाकी तो जो आप न्यूज़ पे पढ़ते हो वो सब तो TRPF बढ़ाने के लिए, आपको सबको पता ऑलरेडी। दूसरी चीज़, जैसे आप सबको पता है एसटीएफ, एसएफआई, आईटी ने लगभग 17 से 18 दिन में सारी की सारी जांच कर ली है, पर एसटीएफ इन दिनों से कुछ भी साबित नहीं कर पाई है, और न ही अन्य एजेंसियां को जांच में कंपनी और मित्तल जी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। वरना 2 से 18 तारीख तक 7 धाराएँ लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने सब खारिज कर दी है। अभी मात्र एक धारा 267 लगी हुई है, जिसका केस ईडी के अंडर में है, जिसकी 18 तारीख को सुनवाई होनी थी पर नहीं हुई है। इससे साफ होता है कि एसटीएफ के पास कोई सबूत नहीं है, वरना 17 दिनों में आरोपी अब तक मुजरिम बन जाता। आपको ही पता है भाई, काफ़ी लंबा केस चल रहा है, 17-18 दिन हो गए, अब तक तो कुछ सोल्यूशन ही निकल रहा है ना। तो कोई ये बोल रहा है कि भाई वो मुजरिम है, या बोल रहा है कि ना वो मुजरिम भी नहीं, आप सबको पता है। तो जो अभी जो सबसे लास्ट जो पॉइंट रहता है वो सारा केस लॉन्ड्रिंग पे टिका हुआ है। अब इस सुनवाई में ईडी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है और बताया कि एसटीएफ ने हमारी जांच में सहयोग नहीं किया और कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, हमें स्टार्टिंग से जांच करनी है। तो उसने थोड़ा सा टाइम मांगा कि भाई हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से इस केस को हैंडल करेंगे, जिसके लिए हमें आरोपियों को रिमांड पर लेना होगा। साथ ही कहा गया कि यदि आरोपियों को बेल मिल जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिससे हमारी जांच में असर होगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ईडी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर की, वो ये कह रही है कि हमें जो आरोपी है उसको रिमांड पर लेंगे और उसको हम बेल नहीं देंगे, क्योंकि वो बेल अगर उनको मिल जाती है तो वो अपने सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। इसी वजह से कोर्ट ने इस दलील की वजह से, जो ईडी ने जो दलील रखी, इसकी वजह से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और 3 दिन तक ईडी को जेल में जाकर सिर्फ पूछताछ का निर्देश दिया है, न कि उनको रिमांड पर लिया गया। ये जो आप सुन रहे हैं रिमांड पर ले जाया गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ वो लोग जेल में जाएंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, उनका कोई रिमांड नहीं है। तो ईडी शुरू से अब तक सभी तरह की अपनी जाँच करके अपनी जाँच रिपोर्ट अगली सुनवाई 4 मार्च तक कोर्ट में पेश करेगी। इस रिपोर्ट का सारा फैसला टिका हुआ नजर आ रहा है। तो हम सब ने अब 4 तारीख तक और इंतज़ार करना है, देखना है कि ईडी जांच में क्या पेश करेगा। बाकी जो आप लोग, एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 20 तारीख वाली कम जो वो एक पीछे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, वो सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 18 तारीख को थी और वो एक्सटेंड हो गई है, अब 4 तारीख को जो इसका फैसला है वो आएगा।
उसमें जो ईडी है वो अपनी सारी पूछताछ करेगा, जो कि ईडी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। चूँकि इससे पहले एसटीएफ और यूपी सरकार की वजह से सारा मामला नज़र होता आ रहा था, लेकिन ईडी यूपी सरकार की नहीं, जैसे मैंने पहले बताया वो भारत सरकार के अंडर में आती है। तो हम सब अब आशा ही कर सकते हैं, 4 मार्च का इंतज़ार कर सकते हैं। और सबसे मेन बात और जो मैं आपसे कहना चाहूँगा इस वीडियो में, देखिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप एक तो कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें, किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें, किसी के बहकावे में ना आए। बहकावा इन द सेंस कि जैसे कि कई लोग बोलते हैं भाई मैं तेरा पैसा निकलवा दूंगा या कुछ और कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा नहीं निकलेगा, सारा का सारा काम शुरू से होएगा। जैसे पहले आपके पैसे थे ऐसे ही पैसे आएंगे। और किसी के कहने पर, सबसे मेन बात, किसी के कहने पर एसटीएफ की ईमेल पर शिकायत न करें। देखिए क्या होता है, मान लो अब आपने एसटीएफ शिकायत मेल कर दी तो वो मेल की काउंटिंग बढ़ती जा रही है और वो उसके अपोजिट हो जाती है सारी की सारी, और केस थोड़ा स्ट्रोंग हो जाता है। इस करके सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेल न करें। तो दोस्तों अब आपको सारी की सारी ये आज तक की, मतलब अभी तक की 20 तारीख तक की ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली वीडियोज के लिए। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए। जैसे भी कोई नया वीडियो आता है मैं आपको अप टू डेट कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए।